खबर आपको दें, बॉक्सर आमिर खान ने अपनी अहलिया फरियाल मखदूम से अलहदगी की तस्दीक कर दी है। आमिर खान ने कहा है कि फरियाल के खानदान और दोस्तों को छोड़ा, फरियाल को छोड़ रहा। फरियाल भी ट्विटर पर मैदान में आ गई हैं। आमिर, आपने मेरे लिए खानदान को नहीं छोड़ा, उन्होंने तुम्हें लूटा इसलिए छोड़ा, अब मर्द बनो। तुम एक बॉक्सर पर इसलिए तनकीद कर रहे क्योंकि तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है। ये बयानबाजी दोनों की जानिब से सोशल मीडिया पर की जा रही है। महमूद रियाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। महमूद, पहले ये तरदीद की गई थी आमिर की जानिब से कि वो फरियाल को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अब अचानक से ये तमाम तर सूरत हाल सामने आना और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाना, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी यकीनन, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि जो फरियाल मखदूम और आमिर खान जो बॉक्सर है उनके दरमियान अलहदगी हुई और सोशल मीडिया के जरिए एक जंग का आगाज भी हो गया, जिसमें काफी अरसे से इनके मुतालिक ये खबरें गर्म थी। और आमिर खान जो बॉक्सर थे उन्होंने अपनी फैमिली को, जिनमें उनके वालिद और उनकी वालदा थी, और जबकि उनके चचा बड़ा कलीदी रोल अदा करते थे और मैनेजर भी थे और जो उनके तमाम पैसों का हिसाब रखते थे, अपनी बीवी के साथ उन्होंने काफी अरसा पहले अपने घर वालों से भी कटा ताल्लुक किया और उसके पीछे यही फाइनेंशियल मैटर्स थे। आमिर खान और उनकी बीवी का कहना था कि जितना आमिर खान ने कमाया है वो उनके चचा और उनकी जो वालदा और वालिद हैं वो सब उन्होंने लिया, उससे कोई सने नहीं। जिसके एक तवील अरसे तक जो है वो आमिर खान जो है वो अपनी फैमिली से नहीं मिल रहे थे और अमेरिका में भी बीवी के साथ थे, और उन्होंने यही कहा था कि मेरे फंड्स और मेरे मैनेजर का रोल जो है वो फरियाल अदा करेंगे। लेकिन अब जबकि थोड़ा सा आमिर खान का डाउनफॉल शुरू हुआ है और फरियाल मखदूम की जो पसंदीदगी है वो एक दूसरी जगह पर नजर आई, तो जिसके बाद जो इंतहाई रकीक जुमलों का भी तबादला हुआ है सोशल मीडिया पर, जो कि इस जोड़े को जेब नहीं देता और उन्होंने जो है बड़ी ऐसी जबान इस्तेमाल की गई है, और जिसके बाद अब ये नजर आ रहा है कि इस जोड़े के जो ताल्लुकात हैं वो बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए। लेकिन माजी में भी इस तरह का हुआ है कि कई दफा इस किस्म के वाकयात होने के बाद दोबारा इनमें सुलह हो गई, लेकिन इस बार लगता है कि वो जो आग है और बहुत ज्यादा तरदीद भी की जाती रही है। महमूद रियाज आप साथ रहिएगा, गुलाम हुसैन नवान लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। गुलाम हुसैन, आपके पास क्या इतलात है, क्या जो फैमिली इश्यूज हैं उनको लेकर अब इस जोड़े में अलहदगी हुई है या कोई और वजह भी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आमिर खान के जो ट्वीट के बाद जो है वो बरतानी मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि आमिर खान और उसकी जो वाइफ है उसके दरमियान अलहदगी के जो मामला हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये तय पा गया है दोनों के दरमियान कि अब वो साथ नहीं रहेंगे और बात जो है वो तलाक तक पहुंच चुकी है। जो फरियाल हैं वो इस वक्त दुबई में हैं और आमिर ने भी दोबारा ट्वीट कर ये कन्फर्म किया है कि मैंने अपनी वाइफ से इस सिलसिले में बात कर ली है और अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। उसमें एक बात जो बरतानी मीडिया कोड कर रहा है उसके मुताबिक जो आमिर खान का जो मुकाबले वाला बॉक्सर था जिसका नाम है जोशू, उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो फरियाल है उसके साथ रابطे में थी और उससे जो है वो बातचीत करती थी, जो कि मोहम्मद आमिर को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको कहा है कि जो मेरा राइवल बॉक्सर है आपके उसके साथ जो बातचीत करना है, जो उसके साथ लिंक है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा भी जो फैमिली इशूज इनके दरमियान जो है पिछले साल भी चलते रहे, इस वक्त भी जारी थे, तो बहुत सारी चीजें ये मिक्सअप थी जिसके बाद जो है वो आमिर ने फैसला किया। और इस वक्त बरतानवी मीडिया के अंदर जो है इस खबर को बड़ा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया जा रहा है। और जितने अच्छा, बड़े गुलाम हुसैन, जब ये फैमिली इश्यूज स्टार्ट हुए थे तो उसके बाद से दोनों लंदन में या दुबई में मौजूद थे, आमिर भी अपनी अहलिया फरियाल के साथ, लेकिन फैमिली के साथ राबते में गालिबन नहीं थे, तो अब ये जब तमाम तर मामला सामने आया है, अलहदगी की खबरों की भी अब तस्दीक होने लग गई है, तो क्या फैमिली के साथ दोबारा राबता किया आमिर ने या फैमिली ने उनसे दोबारा कॉन्टेक्ट किया है? अभी तक इस सिलसिले में इतलात वाज़े नहीं हो सकी कि आमिर की जो फैमिली है वो इस हवाले से क्या मकर रखती, लेकिन जब पिछले साल भी जब दोनों के दरमियान ये मामला खराब हुए थे तो आमिर की वालदा और वालद जो उसकी बहनें थीं उनका बहुत क्लियर स्टांस था कि वो कहते थे कि जो इस तरह की मगरबी अतवार जो रखती है जो औरत उसके साथ जो है वो हमारा गुजारा नहीं है, हम ऐसी खातून को नहीं चाहते कि वो हमारे भाई की जो है वो बीवी रहे। तो ये इश्यूज तो फैमिली काफी देर से उनके चल रहे थे, लेकिन अब ये जो उनके जो राइवल बॉक्सर हैं उसके उसके साथ जो इसके रवाबत शुरू हुए फरियाल के, उसके बाद एकदम जो है वो जो आमिर खान है उन्होंने इस बात को महसूस किया, जिसके बाद जो है वो आज ट्वीट किया। और ट्वीट के बाद जो है जब बरतानवी मीडिया को उन्होंने ये बात कन्फर्म की है कि मैं हमने दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते और
اب ہم جو ہے وہ یعنی کہ متفقہ فیصلہ ہے. محمود جاز یہ بتائیے گا کہ اینتھنی یشفا جو کہ رائیول باکسر جس کی ابھی غلام حسین بات بھی کر رہے تھے ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں فریال مختوم, یہ عامر خان کی جانب سے کہا گیا, کیا فریال نے اس کی کچھ حد تک صداقت ظاہر کی ہے کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ جی یقیناً اس میں سچائی بھی ہو سکتی, لیکن اندرون خانہ اور باتیں ہوں گی. اگر عامر خان کی فیملی نے مخدوم فریال کے اتوار پر کوئی تنقید کی تھی تو عامر خان کی اپنی فیملی جو ان کا پورے کا پورا براٹ اپ جو ہے وہ یورپ کے ہی معاشرے میں ہوا اور وہیں لکھے پڑے ہیں, اور اگر ہم نے یہاں کراچی میں ان کی بیوی اور بچی کے ساتھ جو وزٹ کیا, جو ان کی والدین دی تھی, تو ہم نے ان کو ایک بالکل ہی مغربی طرز زندگی گزارنے والا ہی پایا, اور ان کو اردو سے بھی ان کی تقریباً کافی حد تک ناواقفیت ہے. تو یہ الزام لگانا کہ وہ ان کے لیے بھیجا نہ ہوگا, یقیناً اب عامر خان کے پاس جو ہو سکتا ہے کچھ کشش نہ رہی ان معاملات میں ہوگی, لیکن کافی عرصے سے جو ہے وہ اندرون خانہ یہ آگ جو ہے وہ سلگ رہی تھی, چنگاری تھی, جو اب بھڑک کر جو ہے وہ آگ بن چکی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عامر خان کی جو فیملی ہے وہ پہلے ہی جو ہے عامر خان کی بیوی پہ کافی الزامات لگا چکی ہے, جبکہ عامر خان نے کہنا یہ تھا کہ بیوی ہی میری ایسی ہے کہ جس کے بعد انہوں نے ایک قسم کا اپنے مینیجر کا درجہ بھی دے دیا تھا, اور ان کے جتنے مالی اکاؤنٹس وغیرہ ہیں وہ سب فریال ہی جو ہے وہ اس پہ نظر رکھتی تھی, اور دوسری طرف انہوں نے واضح طور پہ اپنے والدین اور ساتھ جو ان کے چچا ہوتے تھے ان پر الزام لگایا تھا کہ میں نے اتنا جو کچھ کمایا وہ سب میرے جو گھر والے ہیں وہ ہڑپ کر گئے. تو یقیناً اب عامر کے سامنے جو ہے وہ انتہائی مشکل راستہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھی ان کی نہیں بن رہی, اور بیوی بھی ان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں اور ان میں علیحدگی ہو چکی ہے, اور ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے کہا ہے, لیکن ماضی میں بھی اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں کہ بیچ میں لوگ آئے اور اس کے بعد ان میں پھر صلح ہو گئی, تو اس بار ایسا لگتا تو نہیں ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے صرف یہ اطلاع دی اور ان میں باضابطہ کوئی علیحدگی کی خبریں ابھی تک نہیں ہے. صرف انہوں کا ہے, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے بہت زیادہ, بالکل جھگڑے تو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. غلام حسین, اب برطانوی میڈیا کو تو عامر خان نے بتا دیا, اس کی تصدیق بھی انہوں نے کر دی, کیا برطانوی میڈیا نے فریال مختوم کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, یا وہ صرف ابھی تک سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پیغام رسانی کر رہی ہیں, وہیں سے تمام تر باتیں بتا رہی ہیں؟ جی بالکل, برطانوی میڈیا کے مطابق ابھی تک انہوں نے ان دونوں کو ڈائریکٹلی اس حوالے سے کوٹ نہیں کیا اپنی خبر کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک برطانوی میڈیا فریال سے شاید رابطہ نہیں کر سکا یا ان کا رابطہ نہیں ہوا, اور ان کے حوالے سے ابھی تک اس سلسلے میں ڈائریکٹلی نہ کوئی انٹرویو آیا ہے نہ کوئی بیان آیا ہے. لیکن عامر کا جو ٹویٹ ہے وہ بالکل بہت واضح ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فریال ہے اس نے مجھے چیٹ کیا ہے, اور اس نے میرے جو رائیول باکسر ہے اس کے ساتھ جو گفتگو کے اسکرین شاٹ ہیں وہ عامر نے دیکھ لیے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ عامر خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ایسے چیٹ کرنے والی خاتون ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور عامر نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ تصدیق کر دی ہے کہ ہم طلاق کی طرف جائیں گے, ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس حوالے سے ابھی تک جو فریال ہے اس کا کوئی سٹیٹمنٹ, اس کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا, اس لیے ہمیں تھوڑا سا شاید انتظار کرنا پڑے گا کہ جب فریال اس حوالے سے کوئی بیان جاری کریں گی تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ صورتحال واضح ہوگی. لیکن جو جس طرح برطانوی میڈیا نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کیا ہے اور جس طرح اس کو وہ خبر کو دے رہے ہیں, اس لیے وہ لگتا نہیں ہے کہ جو اس وقت یہ دونوں جو ہے دوبارہ کبھی اکٹھے رہ سکتے ہیں. اور غلام حسین, جو قریبی ذرائع ہیں عامر خان کے, وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں, کچھ ان کے پیچ اپ کی کوششیں کروائی جا رہی ہیں اب تک؟ جی بالکل, جو عامر خان کی جو فیملی ہے وہ تو کافی دیر سے اس بات کے اوپر تھی کہ ان کی علیحدگی کروائی جائے, ان کے ساتھ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ نہ رہ جائے. تو میرا نہیں خیال کہ عامر کے جو فیملی ہے اس کی طرف سے کسی قسم کے پیچ اپ کا وہ امکان بالکل نظر نہیں آتا. ہاں اگر جو فریال ہے اس کے گھر والے جو ہے وہ اس حصے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں کچھ ایسا رستہ نکالا جائے کہ جس میں یہ دونوں پھر اکٹھے رہ سکے, لیکن عامر خان کی جو فیملی ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ بالکل کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا. ہم ابھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا اس کے عامر کے والد سے رابطہ ہو جائے تو بالکل ہم ناظرین کو یہ ضرور بتائیں گے کہ اس کی فیملی, عامر کی جو فیملی ہے اس وقت وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کیا موقف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, غلام حسین اوان لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود ریاض, مجھے یہ بتائیے گا کہ فیملی کے ساتھ ابھی کہا گیا ہے کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سلسلے میں جو قریبی ذرائع ہیں عامر خان کی فیملی کے, کیا ان کی جانب سے کچھ تصدیق کی گئی ہے اس حوالے سے؟
आमिर खान की जो है वो अपनी बीवी के साथ सुलह हो और वो ताल्लुकात को जो दोबारा उस्तवार किया जाए, इसलिए कि जब से आमिर खान ने जो अपने वालदेन से जो है वो अलहदगी इख्तियार की थी तो उसके बाद से जो है वो गो के पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। मगर इस रिश्ते के लिए आमिर खान की जो फैमिली है हम नहीं समझते कि वो किरदार अदा करेगी, बल्कि वो ये चाहेंगे और वो ये ही चाहते थे कि आमिर खान जो है वो अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ले, और उनकी वालदा का और उनके वालिद का और उनकी बहनों का भी शुरू से ये मुतालबा था कि आमिर खान के साथ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आमिर खान आज जो जोशू के साथ वो कह रहे हैं, इस तरह आमिर खान भी इसी तरह की लाइफ गुजारते रहे। आमिर खान की तस्वीरें जो है वो बहुत ज्यादा दूसरे फनकारों के साथ मॉडल्स के साथ भी हैं, तो यकीनन अंदरून खाना कोई और वजह है जिसकी वजह से ये इल्जाम तराशी की गई है। जबकि फरियाल का ये कहना है कि मैंने तुम्हारे जो वालदेन ने जो है तुमने उनको अपने पैसे की हाविस की वजह से छोड़ा कि उन्होंने तुम्हारा पैसा जो है वो खा लिया था। और आमिर खान ने दुनिया के बड़े महंगे बॉक्सर रहे और आमिर खान पर जो है वो दौलत की देवी जो है हमेशा से जो है वो इनके ऊपर निछावर होती रही है, तो बहुत पैसा है उनके पास यकीनन। वो शुरू से इंग्लैंड में रह रहे हैं, इंटरनेशनल फाइट्स में उन्होंने मल्टी मिलियनर हैं, अमेरिका में भी दुनिया भर में उनकी फाइट्स हुई हैं, तो यकीनन पैसा एक बहुत अहम किरदार है। अब जो ट्वीट्स का सिलसिला आ रहा है फरियाल मखदूम की जानिब से और हम देख भी रहे हैं, अब तो वो ये कहती हैं कि आपका बॉक्सिंग करियर जो है वो खत्म हो चुका और यहाँ तक के उनके करेक्टर पे और किरदार पे भी किरदार खुशी भी शदीद उनकी जानिब से जारी है। बॉक्सिंग करियर खत्म होने के हवाले से क्या ये वाकई आमिर खान का डाउनफॉल जो था वो शुरू हो चुका, जिस तरह फरियाल मखदूम कहती है कि वो खर्चा भी उठाती रही है? यकीनन आमिर खान का डाउनफॉल तो हम नहीं कहेंगे कि मुकम्मल तौर पे जो वो शुरू हो चुका है, लेकिन ये कि जब ये खिलाड़ी जो है इस तरह की से अपनी घर की जिंदगी को जो है वो सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं और इस वक्त जो इल्जाम लगाते हैं बाद में फिर ये मीडिया को कसूरवार ठहराते हैं कि मीडिया ने किया, जबकि आमिर खान ने अपनी बीवी जो कि अभी तक उनकी बीवी है उस पर जिस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाए हैं और उसके जवाब में फरियाल ने जिस किस्म के इल्जाम आमिर खान पे लगाए हैं तो पूरी फैमिली इसका शिकार नजर आती है। उससे कबल उसके वालदेन ने और आमिर खान दरमियान जो एक पूरी जंग चली वो भी सोशल मीडिया पे चली, तो जब अपने घर के मामलात ये सोशल मीडिया पे ले आते हैं उसके बाद ये मीडिया से तवक्को करते हैं, और अब भी हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये मामला जो है माजी की तरह फिर सेटल ना हो। देखना ये है कि ये आगे चलकर किस तरह से अब इसको मामले को सुलझाया जाता है। महमूद रियाज आपका, गुलाम हुसैन अवान आपका बहुत शुक्रिया।